भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान से भरपूर है। यह ग्रंथ भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच में एक संवाद के रूप में है। इस संवाद में कृष्ण अर्जुन को जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में सिखाते हैं। गीता के 19वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन के सैनिकों ने शंख बजाया तो उनकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। ये ध्वनि इतनी जोरदार थी कि धृतराष्ट्र के परिवार के दिलों को छेद गई। इस श्लोक में कृष्ण ध्वनि को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में चित्रित करते हैं जो मन को प्रभावित कर सकता है। जब अर्जुन के सैनिकों ने शंख बजाया तो उनकी आवाज़ ने धृतराष्ट्र के परिवार के मन को भय से भर दिया। ये इसलिए है कि ध्वनि मन को प्रभावित करने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। इस श्लोक में हमें एक सीख मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो हमें सकारात्मक ध्वनियों के साथ संपर्क में रहना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, संगीत सुनने के माध्यम से या प्रकृति में समय बिताने के माध्यम से। आइए गीता को न सिर्फ सुने या पढ़ें बल्कि अपने जीवन में उतारें। नमस्ते।